जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कैसे इस टाइम जी टाइम हो रहा है रात के 1:11, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करें। हमारी एक फीमेल है शिरजू की, जो आज तकरीबन 60 डेज हो गए उसको मेट हुए, तो आज उसके सिम्टम्स लग रहे हैं ऐसे कि जैसे वो आज रात को वेट करेगी। इस टाइम पे 1:11 हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये जी बैठ जाइए प्रॉपर सुकून से, तेल वगैरह दे दिए, खाना इसका वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, पानी भी ऐसे ही, तो आगे देखते हैं। जब तक मैं जाग रहा हूँ क्या रिजल्ट आता है आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से? अभी दोपहर के 3:30 हो गए, तो रात से मेरी फीमेल भी जाग रही है, मैं भी जाग रहा हूँ, लेकिन अभी तक फीमेल ने कुछ किया नहीं, लेकिन वो उम्मीद है कि शायद कुछ कर दे। ये जो इसके सिम्टम्स हैं जिस तरह कुछ कर दी हो सकता है, थोड़ी देर में फीमेल को पपी देना शुरू कर। दोस्तों बताने का मकसद ये होता है, दिखाने का मकसद ये होता है कि एक ब्रीडर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ब्रीडिंग करवाने में, तो लिहाजा जो भी हमारे ब्रीडर रिजल्ट हैं उनकी मेहनत को आप भी जो है अप्रिशिएट किया करें। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, कितने पपी जाते हैं, इंशाल्लाह सब चीज़ें आप जो डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं या पुराने हैं, पुराने वाले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को, और जो नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू जी फ्रेंड्स, अभी तकरीबन 3:45 का टाइम हो गया और बहुत कोशिश कर रही है जिसको वाटर बैग बैग होना शुरू हुआ, तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये हमारे पास 2 मेल पपी हैं, और ये तकरीबन फर्स्ट पपी जो है वो हुआ था 4:30, सेकेंड हुआ 4:30। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे, और इन ये सब बातें आपको बताने का मकसद ये था कि एक ब्रीडर की ब्रीडिंग ब्रीड कराने के पीछे और पपीज़ की डिलीवरी तक उसकी कितनी मेहनत होती है। और अगर मेरी बातें या मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो और बना के दिखाऊंगा, और इसी बात के साथ दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल करें और दुआ में याद रखें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।